आज मैं बना रही हूँ अमृतसरी वड़ी या फिर उड़द की दाल की वड़ी। ये बहुत ही मसालेदार होती है और मार्केट में बनी बनाई मिल जाती है। इसको हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और हम आलू को भी धो करके लंबा काट लेंगे। इसमें 3 आलू लिए हैं और 1 वड़ी ली है। 1 हम टमाटर ले रहे हैं, 1 प्याज, अदरक लहसुन, हरी मिर्च आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं, वरना हम इतने से ही सिर्फ टमाटर प्याज से इसको बनाएंगे, क्योंकि हमें इसको बहुत ज्यादा तीखा नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर कुकर में तेल गरम किया और उसके अंदर हमने प्याज लाल होने तक भून लिए, गरम तल लिए, और फिर इसके बाद इसमें टमाटर डाल करके भी पका लिए। देखिए, यदि टमाटर आप बहुत ज्यादा पकाएंगे तो वो तीखेपन में आ जाएंगे, तो हम बहुत ज्यादा नहीं पका रहे। इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक या स्वादानुसार, हरा धनिया भी डाल सकते हैं 1/4 चम्मच, और गरम मसाला भी, लेकिन यदि आप तीखा इसको बना रहे हैं तो बड़ा बिना अदरक लहसुन के भी, क्योंकि बढ़िया तीखी है, बहुत ही स्पाइसी होती है ये बढ़िया, इसलिए कम बढ़िया डाल के भी हो जाता है, बन जाता है बहुत अच्छा स्वाद का। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। देखिए, बढ़िया डालने के 2 तरीके हैं। एक तो है कि आप उसको हल्का तेल में तल लीजिए, रिफाइंड ऑयल में तल लीजिए, या फिर हल्का पका लीजिए और तब डाल लीजिए। लेकिन यदि आप कच्चा भी इसको डालते हैं तो ये पक करके अच्छा टेस्ट देती है। यदि आप तलते हैं तो फिर ये टेस्ट थोड़ा सा तीखा और करारा हो जाता है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको 3 सीटी तक पका लेंगे, या फिर 1 सीटी लगाने के बाद 15 मिनट पर सिम गैस पर पका लेंगे, तो ये आपकी सब्जी इस तरीके से, खड़ी खड़ी सब्जी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। धनिया, हरी मिर्च आप ऊपर से डाल दीजिए और इसको गर्मा गर्म परोसिए।